काली बहू का जादुई लहंगा और लिपस्टिक। एमपी के एक छोटे से गांव में गुंजन नाम की लड़की अपनी विधवा माँ जानकी के साथ रहती थी। जानकी सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। गुंजन भी सिलाई में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। गुंजन दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला था, जिस वजह से हर कोई उसके काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे। गुंजन की एक दोस्त थी रीमा, जिससे गुंजन अपने दिल की बातें किया करती थी, लेकिन अब उसकी भी जल्दी ही शादी होने वाली थी। रीमा, ये ले तेरा लहंगा, माँ ने सिल दिया है, देखना तू अपनी शादी वाले दिन इस लहंगे को पहनकर एकदम राजकुमारी लगेगी। सच्ची? हाँ बाबा, अच्छी ही लगूंगी, आखिर लहंगा जानकी काकी ने जो सिला है। सच, काकी के हाथों में तो जैसे जादू है, उनका सिला लहंगा भला किस पर नहीं जचता। तभी उधर से रीमा की छोटी बहन कुसुम आती है और बोलती है, हाँ वो तो है, लेकिन काकी का लहंगा खुद उनकी बेटी के ऊपर ही नहीं जचता, अब क्या करे, आखिर रंग ही ऐसा है। अब चाहे गुंजन कुछ भी क्यों ना पहन ले, लेकिन लगती कार्टून ही है। ये क्या तरीका है अपने से भरोसे बात करने का, ये मैं नहीं पूरा गांव ही इसके बारे में यही कहता है। अब तुम किसका किसका मुंह बंद करवाती फिरोगी, कल ही इसको देखने लड़के वाले आए थे, लड़के की माँ तो गुंजन को देखकर ऐसे उठकर भागी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। गुंजन, कल तुझे लड़के वाले देखने आए थे? ये सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ जाता है। रीमा, जाने दे, मेरी किस्मत में शायद दुल्हन बनना लिखा ही नहीं है, आजकल हर किसी को सुंदर ही दुल्हन चाहिए, जैसे काली लड़कियों के किस्मत में तो दुल्हन बनना लिखा ही नहीं है। खैर छोड़, कल तेरी शादी है ना, तू अच्छे से खुश होकर अपने ससुराल जा और हमेशा खुश रहना, और हाँ वहाँ जाकर हम सबको भूल मत जाना। कैसी बातें कर रही है पागल, और तू भी कुछ ज्यादा मत सोच, देखना बहुत जल्दी तेरे भी हाथ पीले हो जाएंगे, मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, अब चल। हंसते अगले दिन रीमा की शादी हो जाती है। गुंजन भी रीमा की शादी में आती है, लेकिन हर बार की तरह उस पार्टी में भी हर कोई गुंजन के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाते हैं। गुंजन रोते हुए वहाँ से घर आ जाती है। गुंजन बेटी, माँ जानकी उससे कहती है, जल्दी से तैयार हो जा, थोड़ी ही देर में लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। बेटी, क्या है माँ? मुझे नहीं करनी कोई शादी, आपको पता है ना, शादी के नाम पे हर कोई मुझे ऐसे आकर नापसंद और भला बुरा बोलकर चले जाते हैं, जैसे मैं कोई बाजार में रखी हुई सामान हूँ। माँ बस बहुत हुआ, अब मुझे खुद की और बेइज्जती नहीं करानी है, आप उन्हें मना कर दो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। माँ, बेटा ऐसे दिल छोटा नहीं करते, देखना इस बार ये रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो बेटा। कुछ ही देर बाद लड़का और लड़के की माँ हेमलता गुंजन को देखने के लिए आती है। हेमलता एक बहुत ही लालची महिला थी और उसका बेटा भी अपनी माँ के हाँ में हाँ लगाने वाला ही था। हेमलता गुंजन को देखने के बाद जानकी से बोलती है, देखिए बहन जी, रिश्ता तो हम पक्का कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दहेज की बात कर लेते हैं। देखो बहन जी, जैसा कि आपने देख ही लिया, मेरा बेटा गोरा चिट्टा दूध सा धुला और आपकी बेटी काली अमावस्या की चांद की तरह है। अब अपनी इस काली बेटी को ब्याहने के लिए आपको दहेज तो देनी ही होगी। बहन जी, हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको 5 लाख रुपए और घर का सारा सामान देना होगा, तो रिश्ता पक्का समझे। गायत्री थोड़ी सोच में पड़ जाती है, तभी उसके आंखों के सामने उसकी बेटी का रोता हुआ मासूम चेहरा आता है। बहन जी, मैं गरीब माँ, दहेज के इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? अरे बहन जी, मैं कौन सा आपसे दहेज के पैसे अभी मांग रही हूँ, आप शादी वाले दिन पैसे दे देना, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। ठीक है बहन जी। इस तरह से गुंजन का रिश्ता तो पक्का हो जाता है, लेकिन उसकी माँ शादी तक दहेज के पूरे पैसे नहीं जोड़ पाती है।
शादी वाले दिन विदाई के वक्त जानकी हेमलता से कहती है, बहन जी कृपया हमें माफ कर दीजिए, मैं आपके वादे को पूरा नहीं कर पाई। दहेज में 2 लाख रुपए कम रह गए हैं, लेकिन मैं जल्दी ही उस पैसों को चुका दूंगी। उसके बाद बारात गुंजन को लेकर अपने ससुराल आ जाता है। जैसे ही गुंजन अपने ससुराल में पहला कदम रखती है, वैसे ही घर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, कैसी बहू को अपने घर की बहू बनाकर ले आई हूँ। इस मनहूस काली कलूटी के तो घर में कदम रखते ही घर की रोशनी ही चली गई। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ जाता है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पहले ही दिन क्या ये सब होना था। गुंजन ये सोच ही रही होती है, तभी लाइट आ जाता है। अगले दिन गुंजन अपने कमरे में सो रही होती है, तभी सुबह सुबह उसके सास की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ काली करूपा बहू, उठेगी या पूरे दिन सोती ही रहेगी। घर का सारा काम क्या तेरे बाबूजी आएंगे करने के लिए। आई माँ जी। गुंजन जल्दी से उठकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, तभी एक दिन हेमलता कहती है, अरे ओ बहू, ब्याह को 1 महीना होने को आया है और अभी तक तेरी वो माँ दहेज के पैसे लेकर नहीं आई। माँ जी, मेरी कल ही माँ से बात हुई थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी फिर आपके पैसों का इंतजाम भी कर देगी। अरे मैं यहाँ तेरी माँ के हाल चाल नहीं पूछ रही हूँ कि वो मर गई या जिंदा है। शादी वाले दिन तो बड़ी आसानी से झूठ बोलकर निकल गई, लेकिन मैं भी अपने दहेज का पाई पाई तुझसे ना निकाल लेती तो मेरा नाम भी हेमलता नहीं। हम पागल नहीं हैं जब तू जैसी मनहूस काली बहू को अपने घर में बहू बनाकर रखे। माँ जी, मुझे भला बुरा कहने से पहले एक बार अपने बेटे को भी देख लीजिए, आखिर करता ही क्या है आपका वो नकारा बेटा। पूरे दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, ऊपर से आपको अपने बेटे को समझाने की जगह आप चाहती हैं कि आपका बेटा और आप पूरी जिंदगी दहेज के पैसों पर ऐश करें, तो ऐसा नहीं होगा माँ जी। आज तो बड़ी जवान चल रही है, मैं तो तुझ पर तरस खाकर तुझ जैसी काली बंदरिया को अपने घर की बहू बना कर ले आई, लेकिन सब मुझे पता है, तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चल अपने ये दुल्हन वाले कपड़े उतार और कोई फटी पुरानी साड़ी पहनकर घर के कामों में लग जा, समझी। जब तक दहेज के पूरे पैसे नहीं आ जाते तब तक तेरी इस घर में हैसियत सिर्फ एक नौकरानी के जितनी है, समझी। गुंजन चुपचाप अपनी सास के हर अत्याचार को सहती रहती है। हेमलता पूरे दिन गुंजन से गधों की तरह बहुत सारे काम करवाती, उसे जरा भी आराम करने नहीं देती। एक दिन गुंजन घर का सारा काम करके बैठी ही थी, तभी हेमलता उसे बैठे हुए देख लेती है। अरे ओ काली कमली बहू, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम तो हो गया है, अब और क्या करूं। माँ जी, आप क्यों हर काम में कभी निकाल कर मुझसे दोबारा तिवारा किए हुए काम को भी फिर से करवाती रहती हो। आखिर आपको मुझसे किस बात की दुश्मनी है। मैं जितना आप सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, आप उतना ही ज्यादा जुर्म करती जा रही हो। अरे इतना जुर्म तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता जितना आप लोग मिलकर मेरे साथ कर रही हो। यह सुनकर हेमलता गुस्से से आग बबला हो जाती है। काली बंदरिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लगाए, रुक तुझे मैं अभी मजा चखाती हूँ। यह बोलकर हेमलता गुंजन को बहुत मारती है। तभी गुंजन का पति भी आ जाता है और अपनी माँ की बात सुनकर वह भी गुंजन पर हाथ उठा देता है। अरे मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की तेरी जरूरत कैसे हुई। तू जैसी काली बंदरिया को मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जा मेरे घर से। दोनों माँ बेटा मिलकर गुंजन को घर से निकाल देते हैं। गुंजन रोते रोते वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है, तभी उसके कानों में किसी के कराने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये आवाज़ तो किसी हिरनी के कराने की आवाज़ है। तभी वह इधर उधर देखती है, तब उसे एक हिरनी जमीन पर बेहोश दिखाई देती है। लगता है ये हिरनी बहुत प्यासी है
और प्यास से व्याकुल होकर यहाँ बेहोश हो गई है। गुंजन जल्दी से पास के तालाब से पानी लाकर हिरनी को पानी पिलाती है। तभी एक तेज प्रकाश के साथ वह हिरनी एक परी में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से वर्षों के बाद मुझे मेरा स्वरूप वापस मिला है। परी, आप तो अभी एक हिरनी के रूप में थी ना? हाँ, वर्षों पहले मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिसके दंड स्वरूप में मैं परी से हिरनी बनकर जंगल में इधर उधर भटकने लगी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा स्वरूप वापस मिल गया है। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। लेकिन तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो और तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर गुंजन उस परी से अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी कहती है, गुंजन तुम दिल की बहुत ही सुंदर हो, लेकिन ये बात इस मतलबी दुनिया वालों के कुछ लोगों के कभी समझ में नहीं आएगी। पर तुम चिंता मत करो, ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगा से तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और ये जादुई लिपस्टिक है, इस लिपस्टिक को तुम अपने होठों पे लगा लेना, जिससे तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। इतना बोलकर वह परी गुंजन को एक जादुई लहंगा और लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो जाती है। गुंजन खुशी खुशी उस लहंगा और लिपस्टिक को लेकर अपने माँ के घर आ जाती है। जानकी की तबीयत थोड़ी खराब थी, वह अपनी बेटी को देखकर उठ खड़ी होती है। बेटी, तू आ गई? बेटी बेटी, क्या हुआ? ससुराल में सब लोग ठीक तो है ना? दामाद जी नहीं आए? माँ, ना मतलब उन दरिंदों का, वे लोग इंसान नहीं भेड़िया हैं। पैसों के आगे उनके सामने इंसान की कोई कीमत नहीं। माँ, मैं हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। लेकिन माँ, आप चिंता मत करो, अब से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। फिर गुंजन अपनी माँ को परी वाली सारी बात बताती है और उस जादुई लिपस्टिक और लहंगे के बारे में भी बताती है। उसके बाद गुंजन उस जादुई लिपस्टिक को अपने लिप्स पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही गुंजन बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। देखा माँ, मैं कितनी सुंदर हो गई? माँ, ये तो सच में जादुई लिपस्टिक और जादुई लहंगा है। ये जादुई लहंगा, हे जादुई लहंगा, मेरी माँ को भी पूरी तरह से स्वस्थ कर दो। गुंजन के इतना बोलते ही गायत्री को अपने शरीर में एक अच्छा सा ताकत महसूस होने लगता है और वह पहले से बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी जादुई लहंगा से ढेर सारा लहंगा मांगकर अपना लहंगों का एक बहुत बड़ा शोरूम खोलती है और हंसी खुशी से रहने लगती है। इसी बीच एक बड़े कंपनी का मालिक रोहित ओबेरॉय का दिल गुंजन पर आ जाता है। वह गुंजन का हाथ मांगने उसके घर आता है। मैं एक ही शर्त पे आपसे शादी करूंगी, शादी के बाद मैं आपके घर नहीं बल्कि आपको मेरे घर रहना होगा। गुंजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी रहने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसी बहाने मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। और फिर गुंजन और रोहित की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।